हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के पूरे 5 वीडियोस में मैंने सब्जेक्ट को कवर किया था, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और की पॉइंट देखे थे। फिर 5 वीडियोस में मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा समाप्त किया था। तो आप लोगों के काफ़ी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ की सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टाइप के वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस टाइप के वीडियो अभी और बना सकता हूँ। तो इस सीरीज में स्टार्ट करने जाते हैं अपन मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर आता है आपका लिमिट वाला। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये लिमिट वाला टॉपिक छोड़ के जाते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर लिमिट वाला टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर कुछ भारी भरकम फॉर्मूले ऐसे हैं भी नहीं याद रखने के लिए, और जो है वो मैं आपको उनकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो आपको इजीली वो याद हो जाएंगे। तो चलिए इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपन लिमिट से। लिमिट में सबसे पहले आती है आपकी एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल रूल अपन कब अप्लाई करते हैं? इफ लिमिट इज डायरेक्टली पुट इन फंक्शन एंड वी गेट द जीरो अपॉन जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट अपॉन जीरो। ये क्या है? इनडिटर्मिनेट फंक्शंस हैं, ये इनडिटर्मिनेट फंक्शंस हैं, इनकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। तब उस कंडीशन में अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। मान के चलिए आपको कोई फंक्शन गिवन है, इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है। लिमिट है x टेंड टू a, कोई लिमिट दे रखी है। न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है। ये x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, और x की लिमिट दे रखी है आपको a तक। तो आपने x की लिमिट a यहाँ पर पुट की x की वैल्यू की जगह पर, और नीचे डिनोमिनेटर में भी x की जगह पर a पुट की। तो आपका अगर ये फंक्शन आ रहे हैं जीरो अपॉन जीरो आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया, या इनफाइनाइट अपॉन जीरो आ गया, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब क्या बोलता है आपका एल हॉस्पिटल रूल? इन एल हॉस्पिटल रूल सेपरेटली डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जी आपको जो न्यूमरेटर दिया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर है, आपको क्या करना है? सेपरेटली दोनों को डिफरेंशिएट करना है, मतलब न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। अगर लिमिट रखने पर ये इन किसी में से वैल्यू एक आ रही है, तो इन सबको आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पर अगर इस टाइप की कोई वैल्यू आई, तो इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स कर दिया या जी डैश एक्स कर दिया। और अगर फिर भी आपकी इन वैल्यू में से एक आ रही है, तो फिर आपने फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट किया। ऐसे आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ये होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो आगे आपके काम आएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका लिमिट x टेंड टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो मैंने आपको क्या बताया, l हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आपको पहले लिमिट डायरेक्टली इसमें पुट करनी है। आपने लिमिट पुट की x टेंड टू, तो a टू द पावर n हो गया माइनस a टू द पावर n अपॉन, ये हो जाएगा आपका a माइनस a। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये हो जाएगा आपका कितना? जीरो अपॉन जीरो। तो इस कंडीशन में आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल आपका क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को आपको डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो अपन ने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, इसमें अपन ने अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें अपन ने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन है, तो पावर इसकी सामने आ जाएगी और एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन के इतने नॉर्मल फॉर्मूले आप जानते होंगे, तो सभी पढ़ते हैं, बाकी इसको अपन और डिटेल से अभी देखने वाले हैं। तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस वन, और ये है a टू द पावर n कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर x का हो जाएगा वन माइनस a का हो जाएगा जीरो। तो आपका फंक्शन कितना आया न्यूमरेटर में? n x टू द पावर n माइनस वन। अब आप इसमें x की जगह पर a की वैल्यू अगर पुट करेंगे, तो आपको एल हॉस्पिटल के रूल वाली कंडीशन नहीं मिल रही है, जीरो अपॉन जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट अपॉन जीरो, इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं मिल रही है। तो इसमें आपने x की जगह पर a पुट किया, तो फंक्शन आपका क्या हो गया? n a टू द पावर n माइनस वन, n a टू द पावर n माइनस वन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं, आपको सिंपल बस एल हॉस्पिटल रूल याद रखने हैं, उससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसके लिमिट वाले कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी टाइप से ये दूसरे फॉर्मूले में अपन ने अप्लाई किया, इसमें जैसे x टेंड टू a की अपन ने लिमिट पुट की, तो a की पावर m हो जाएगा और नीचे भी a टू द पावर n हो जाएगा, तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपने इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो आपका कितना आ जाएगा? सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, m अपॉन n a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे आप इसको आपने डिफरेंशिएट किया, तो m x टू द पावर m माइनस वन आ गया आपका, और ये जीरो हो जाएगी,
और नीचे आपने इसको डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन माइनस जीरो हो जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, एम अपॉन एन, ये आपका एम अपॉन एन हो गया, और एक्स की जगह पर आपने ए की वैल्यू पुट की, तो ए टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन ए टू दी पावर एन माइनस वन हो गया आपका। अब डिवीजन है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ जाएगा एम अपॉन एन, एम अपॉन एन ए टू दी पावर एम माइनस एन। तो इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के इन फॉर्मूलेस को याद रख सकते हैं, याद भी नहीं रखने हैं आपको, बस एल हॉस्पिटल रूल याद रखना है। कुछ फॉर्मूले और हैं इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो फ्रिक्वेंटली लिमिट में पूछे जाते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, जैसे आप एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी ई टू दी पावर जीरो माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पर आपने जीरो पुट किया तो e टू दी पावर जीरो की वैल्यू वन होती है तो वन माइनस वन हो जाएगा आपका जीरो अपॉन जीरो। तो इसमें आप क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल आपका क्या बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा e टू दी पावर एक्स माइनस वन का हो जाएगा जीरो अपॉन एक्स का हो जाएगा वन। अब कितना आया e टू दी पावर एक्स और एक्स की लिमिट जीरो, तो e टू दी पावर अल्टीमेट कितना हो गया जीरो और उसकी वैल्यू कितनी होती है वन। किसी भी फंक्शन की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है वन, तो e टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी वन। अब दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू जीरो e टू दी पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन x, ऐसे आपने x टेंड टू जीरो पुट किया तो पहले आपका जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा, फिर आपने इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी m आ जाएगी। तो आपको इस टाइप से ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप केवल एल हॉस्पिटल रूल याद रखें कैसे उसको अप्लाई करना है क्या उसकी कंडीशन है। अब तीसरी फॉर्मूला देखते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, इस टाइप से कोई फंक्शन आपको गिवन है, इसमें जैसे आप एक्स टेंड टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन माइनस वन अपॉन जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो अपॉन जीरो। इस कंडीशन में आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल में आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर का। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मान के चलिए वाई इक्वल्स टू मान लिया अपन ने ए टू दी पावर एक्स कोई फंक्शन है, अब पावर में है तो अपन दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग क्या हो जाएगा इस साइड हो जाएगा आपका लॉग वाई इक्वल्स टू, ये पावर आपकी सामने आ जाएगी एक्स लॉग ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो log y का क्या होता है वन अपॉन y dx, ये साइड का हो गया, और इस साइड का आप करेंगे तो इस साइड का क्या हो जाएगा आपका f1 into f2, अगर दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन है और उनका अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन x into सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब dy dx ऑफ log a, तो log a आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, तो log a की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगी, प्लस सेकंड फंक्शन है आपका log a इनटू x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन वन dx, तो ये वैल्यू तो आपकी जीरो हो गई, तो ये कितना है आपका वन अपॉन वाई डी वाई, सॉरी यहाँ पर डी वाई होगा क्योंकि y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई ये हो जाएगा log a डी x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं dy upon dx हो जाएगा आपका कितना y into log a, y into log a, अब y अपन ने क्या माना था a to the power x, तो y की जगह पर लिख दिया अपन ने a to the power x log a, अब x की पावर अपन इसमें पुट करते हैं, x की पावर कितनी है अपन को इस वाले फंक्शन में जीरो रखनी थी, तो x की पावर जब जीरो पुट करेंगे तो a टू दी पावर जीरो, और किसी भी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो तो उसका वैल्यू कितनी हो जाती है वन, तो वन इंटू लॉग a हो जाएगा इसका, मतलब अल्टीमेट क्या हो जाए आपके पास लॉग a, तो इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं लॉग a। तो इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये अच्छा हो कि आप ये फॉर्मूले अगर याद रखेंगे तो आपको हर जगह एल हॉस्पिटल रूल लगा के इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर आप याद नहीं भी रख सकते हैं तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं किस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये कोई फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड टू 0, 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x है। तो इसमें सिंपल एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है कहीं पर तो उसकी जगह पर आप e पुट कर सकते हैं, e की वैल्यू रख सकते हैं, 1 की पावर इनफाइनाइट इक्वल्स टू e रख सकते हैं। जैसे अपन ने इसमें x की जगह पर 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन 0। अब 1 अपॉन 0 होता है आपका कितना, इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया, तो 1 की पावर इनफाइनाइट को आप क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। तो सिंपल यहां पर e हो गया। इस टाइप से कोई फार्मूला गिवन है, लिमिट x टेंड टू 0, 1 प्लस ax की पावर 1 अपॉन x, x टेंड टू 0 पुट किया अपन ने तो 1 की पावर फिर से इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, e हो जाएगा आपका। लेकिन e की पावर में यहां पर जो x का कोफिशिएंट होगा वो साथ में आ जाएगा, तो e टू दी पावर a हो जाएगा। यहां पर केवल e टू दी पावर 1 था, या e लिख सकते हैं उसको सीधे सीधे, लेकिन यहां पर जो x के साथ में पावर होगी वो e की पावर हो जाएगी, तो e टू दी पावर a। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले याद रखने की एक मेथड है, आप इनको कैसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे ये फंक्शन है आपके पास 1 प्लस ए एक्स की पावर बी अपॉन एक्स है, तो इसमें आप एक्स टेंड टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 की पावर इनफाइनाइट फिर से आ जाएगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 की पावर इनफाइनाइट को आप e लिख सकते हैं, तो e की पावर हो जाएगी आपकी ये इंटू ये पावर, तो a जो यहाँ पर x के मल्टीप्लिकेशन में है और ये वाली पावर, तो e टू दी पावर ab। अगला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू 0, 1 प्लस ax की पावर 1 अपॉन bx है। इस टाइप से अगर कोई फॉर्मूला गिवन है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 1 की पावर इनफाइनाइट आएगा, और इसमें पावर आपकी कितनी हो जाएगी, e की a अपॉन b, a ये वाली पावर अपॉन b ये वाली पावर। अगला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x है, तो x टेंड टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी वैल्यू 0, और x की जगह पर अपन इनफाइनाइट पुट किया तो 1 की पावर इनफाइनाइट, और 1 की पावर इनफाइनाइट को आप e लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, e। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल से कैलकुलेट भी उनको कर सकते हैं। कुछ और सिंपल फॉर्मूले हैं, लिमिट x टेंड टू 0 sin x / x आप जानते हैं 1 होता है, लिमिट x टेंड टू 0 tan x / x भी आपका 1 होता है, लिमिट x टेंड टू 0 sin इनवर्स x / x आपका 1 होता है, और tan इनवर्स x / x आपका 1 होता है। ये सिंपल फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला और है आपका लिमिट x टेंड टू 0 1 - cos mx / 1 - cos nx को आप क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर / n स्क्वायर, ये भी आप एल हॉस्पिटल रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुए कुछ इससे रिलेटेड फॉर्मूले। अब इसकी कुछ और कंडीशन देखते हैं, 3 केस होते हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल में। तो फर्स्ट केस है आपका, इफ द डिग्री ऑफ एफ एक्स, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन रिजल्ट इज इनफाइनाइट। मान के चलिए ये कोई फंक्शन आपको गिवन है, एक्स की लिमिट आपको इनफाइनाइट गिवन है। अब ये हुआ आपका न्यूमरेटर का फंक्शन और ये हुआ आपका डिनोमिनेटर का फंक्शन, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होती है, न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी, एक्स में देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर न्यूमरेटर में कितनी है, 3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री हो गई आपकी 3, और डिनोमिनेटर में जो एक्स की हाईएस्ट पावर है, तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है कितनी, 2, तो डिनोमिनेटर की डिग्री हो गई 2। तो इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन द रिजल्ट इज इनफाइनाइट। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर x टेंड टू अपन इसमें इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट की पावर क्यूब हो जाएगा। ये हाईएस्ट डिग्री अपन को लेनी है, हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर की ले ली और हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की ले ली अपन ने, और इनफाइनाइट की पावर 2 हो जाएगा, तो 2, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका कितना, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप इनके केस याद रख सकते हैं, फर्स्ट केस आपका ये हुआ। सेकंड केस क्या होता है आपका, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन द रिजल्ट इज 0। अगर न्यूमरेटर की डिग्री आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तब आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3, तो आपने इनफाइनाइट यहाँ पर पुट किया तो इनफाइनाइट का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। केवल हाईएस्ट पावर ही अपन को लेनी है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की भी। इसमें इनफाइनाइट की जगह पर अपन, और डिनोमिनेटर में x की पावर, और डिनोमिनेटर में x की जगह पर इनफाइनाइट पुट किया तो इनफाइनाइट की पावर क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट आप जानते हैं क्या होता है, 0। तो इस तरीके से ये दूसरा केस हुआ इसका। और इफ fx एंड gx, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव इक्वल डिग्री
then the coefficient of numerator and coefficient of denominator क्या होगा आपका, अगर fx और gx आपके equal degree के हैं तब क्या करेंगे आप, जैसे इस टाइप से कोई आपको फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, इसमें देखिए आप न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो उनके जो कोफिशियंट होंगे सीधे सीधे वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे न्यूमरेटर में यहाँ पर 2 का कोफिशियंट है तो 2 ले लिया, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट 5 है तो 2/5। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एक मेथड और है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये कंडीशन तभी है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3/x² कॉमन ले लिया तो 3/x हो जाएगा + 4/x² हो जाएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका ये 5 बचेगा प्लस ये एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा +6/x हो जाजाएगा और +7/x² हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पर लिमिट में इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 3/∞ +4/∞, तो 1/∞ आप जानते हैं क्या होता है, 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, तो बचा कितना आपका 2/5। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हुए एल हॉस्पिटल रूल और उनसे रिलेटेड कुछ कंडीशंस। तो इसके अगले वीडियोस में अपन इसके लिमिट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।